गुंडागर्दी के दम पर जीते गए हैं। बीजेपी की सरकार झूठों की सरकार है। इस सरकार ने लोगों किसानों के साथ झूठे वादे किए। इस सरकार ने मौलिक अधिकारों को छीन लिया है। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में खुली गुंडागर्दी हुई। पंचायत चुनाव में प्रशासन ने सरकार का खुलकर साथ दिया। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। किसानों के लिए जो बिल पास हो रहे हैं उसमें भी बड़ी धोखेबाजी की जा रही है। इन्हीं आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज सरकार के खिलाफ प्रदेश में हल्ला बोल का जोरदार प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारी मांगे। ये जुल्म जाति जो कार्यकर्ताओं के साथ चल रही है इसको बंद किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कानून ला रहे हैं गरीबों के लिए ये कानून न लाया जाए। इस प्रदर्शन में कहीं सपा नेताओं को उनके कार्यालय में बंद कर दिया गया तो कहीं उन पर पहरे लगा दिए गए तो कहीं समाजवादी नेताओं की गाड़ी को रोक दिया गया। बीजेपी सरकार के खिलाफ अब विपक्ष की आंख खुली और वो सड़कों पर उतरा है। उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। कैसे कैसे खेतों से होकर के पगडंडी से होकर के नाले से किधर किधर घूमते हुए इतने बहुत मुश्किल कि सारे कार्यकर्ता पहुंच पाए। यहाँ तक कि हम लोग जैसे यहाँ से वहां से निकलने वाले थे वहां पे भी काफी बैरिकेडिंग की हुई थी। हम लोग लगातार प्रयास में थे और वहीं आपके तहसील में वकीलों को भी बाहर से बंद कर दिया गया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। हम लोग सभी लोग तहसील जा रहे थे। जिस तरह से प्रशासन पूरी तरह से गुंडे तानाशाही पे उतारू है, निश्चित है जिस तरह से ये कर रहे हैं निश्चित समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और उतनी तेजी के साथ इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को हटाने का काम करेंगे। अब इसे सत्ता की हनक कहें या समाजवादियों की लाचारी, विश्वा में स्थानीय प्रशासन के कड़े तेवर देख तहसील परिसर ही कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए। समाजवादी पार्टी की ओर से तहसील विश्वा परिसर में किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन पर पुलिस के सख्त पहरे से सपाइये के मंसूबों पर पानी फिर गया। सिधौली से गुरप्रीत, बिस्वा से आशुतोष, सीतापुर से मोहम्मद समीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्टार न्यूज़।